बच्चों, मैं आज आपको महाभारत का पाठ 21 कर्ण की दानवीरता कक्षा 7 का पाठ का सार सुनाने जा रही हूँ। गंधर्व राव चित्रसेन से और अर्जुन से हारने के बाद कर्ण को लगा कि उसे अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए। वह दिग्विजय के लिए निकल पड़ा। कर्ण ने प्रतिज्ञा ली कि युद्ध में अर्जुन को हराकर अपनी मित्रता का ऋण चुकाएगा। इंद्र घबरा गए। कर्ण के जन्मजात कवच और कुंडल को कोई भी अस्त्र या शस्त्र भेद नहीं सकता था। अर्जुन को दिए गए वचन को पूरा करने के लिए इंद्र ब्राह्मण का वेश में कर्ण से उसके कवच कुंडल मांगे तो उसने उतार कर दे दिए। इंद्र ने कर्ण की दानवीरता देखकर अपना परिचय दिया और कहा, तुम मुझसे कुछ मांग लो। कर्ण कहता, मैं दान के बदले दान नहीं लेता। ऐसा करने से दान का महत्व कम हो जाता है। इंद्र कर्ण से प्रसन्न हुए और उन्होंने शक्ति नामक अस्त्र दिया और कहा, इसका प्रयोग केवल एक ही बार कर सकते हो। बच्चों, अब इसके शब्दार्थ सुनो। याचक का अर्थ है भिखारी, व्याकुल का अर्थ है परेशान, आचरण का अर्थ है व्यवहार। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। कर्ण दुर्योधन की मित्रता का ऋण कैसे चुकाना चाहता था? खा, इंद्र कर्ण के पास क्यों गए? गा, इंद्र ने कर्ण को कौन सा अस्त्र दिया जिसका प्रयोग कितनी बार किया जाना था? बच्चों, ये आपका पाठ खत्म हो गया। धन्यवाद।